ਨਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਾ ਜਾਏ ਭਾਈ ਜੀਰੋ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ तो हर्षित की बाइक में दूसरा इशू भाई क्या हो गया अब अंदर बाहर कट गई भाई 9 बज गए हो लगता है गाना बजाना ही पड़ेगा तो फिर क्या सोना नहीं है भाई बहुत लेट हो गए हैं सर्दी सी हो रही है मेरे को बाहर निकल आज जुम्मा है आज का वादा है उठ जल्दी उठ ये चुम्मा दे दे सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो अभी बजने वाले हैं सुबह के 9 और ये आज के दिन की शुरुआत हमारी कुछ ऐसी ही नाच गाने से ओ भाई वो आने वाली है बहुत जल्दी आएगी वो सो गाइस आज हम घूमने वाले हैं हमें नहीं पता इस नाच गाने के बीच में हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है क्योंकि हमने उनको कहा था कि हमने सुबह 10 बजे 10:30 बजे निकलना है तो 9:30 बजे ब्रेकफास्ट भेज देना तो भाई ब्रेकफास्ट में अपने पास आ चुके हैं वेज सैंडविचेस और आलू का परांठे और हम तो भाई जमीन से जुड़ा आदमी हम गाएंगे परांठे तो ब्रेकफास्ट स्टार्ट करने से पहले ना आपको ना यहाँ पे कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जो कि हम कल रात को कर रहे थे इसलिए कल का व्लॉग में टाइम से एंड नहीं कर पाया क्योंकि नींद आ रही थी सोने से पहले हमने कैरोके सेशन करा उसमें हमने गाने गाए बड़े सारे 3-4 गाने गाए तो हमने वो इंस्टाग्राम पे डालते मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो मेरा हैंडल आ रहा है यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम व्लॉग में नहीं डाल सकते तो इंस्टेंट हो जाती है या तो व्लॉग एंड होने के बाद हो जाती हैं या तो बीच में नहीं ऐड हो पाती तो वो इंस्टाग्राम पे हमने करा था कैरोके नाइट तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जो ये लाइव स्टोरी होती है लाइव अपडेट्स होते हैं सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे तो बिना किसी देरी करते हैं ब्रेकफास्ट क्या कर रहा है भाई देखो यूट्यूबर में लाइट तेरा 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 सुरूर सो गाइस निकलने के लिए तैयार है और हर्षित जा चुका है नीचे और सारा सामान हमने कह दिया कि लेके आना तो आज हम जाने वाले हैं धनौल्टी और धनौल्टी का सीन अभी ये पता चला कि वहाँ पे जो पुरानी स्नोफॉल हो रखी है वो पड़ी हुई है तो हो सकता है कि वाइट आउट हमें देखने को मिले एनीवे चलते हैं बिना किसी तरीके नीचे अभी 2 हेलमेट लेके जाने हैं एक टैंक बैग लेके जाना है एक अपना गिम्बल का बैग लेके जाना है ड्रोन बैग लेके जाना है क्योंकि जब निकलने लगे पता चला कि ड्रोन की बैटरी से चार्ज नहीं है जो कल उड़ाया था गुच्चू पानी में वहाँ पे उसकी ट्रेन आउट हो गई थी तो रात को चार्ज करना भूल गया कमेंट बॉक्स में भर दो जरा कल ड्रोन शॉट कैसा लगा बढ़िया बच्चों ने कल एंजॉय किया था भाई बच्चे खुशी देखने बहुत मजा आता है जैसे बच्चे खुश होते हैं ऐसे आवाज आ रही है अरे क्या बढ़िया आवाज आ रही है भाई तेरे को आवाज आ रही है अरे तो खतरनाक वाली आ रही है इसको कह रहा हूँ मैं इसको किसी और की आवाज आएगी दिल्ली से सीधा ओए ये ना यहाँ पे देते इधर देख इधर यहाँ पे ना पूरी ये पता नहीं कह रहा लोड आ गया पीछे अंदर ये यहाँ पे ना वायरिंग है वो कट गई भाई इसकी ये बाइक चली जाएगी ना दिल्ली से सलामत अरे अब तो बढ़िया जाएगी पहले भरोसा नहीं था सो गाइस निकल रहे हैं धनौल्टी के लिए जो कि है 61 किलोमीटर और मैंने अपना टैंक बैग पीछे टेल पे लगा दिया इसकी फिटिंग आती है साथ में तो वो मैं इस बार कैरी कर रहा था तो पीछे लगा दिया क्योंकि टैंक ना काफ़ी भरा भरा सा रहता है इससे मेरी बैग को भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा DSLR भी है फटाफट अपना बाइक से उतरे ये जिप खोली और अपना DSLR बाहर ओ भाई साहब बर्फ यहीं से दिख रही है मेरे को सामने पहाड़ पे अभी तो वहाँ जाना भी तो बहुत दूर है भाई फील्ड अलग है
ओके मेरे भी आधा हो गया, मैं डलवा लेता हूँ भाई। ये डलवाएगा कॉपीराइट क्लेम। स्पीकर देख कहाँ लगा रखे हैं, देख ऊपर फुल कर दो। भाई जीरो तो चेक करा देते, वही से डाल दिया तुमने 99 से। नहीं जीरो नहीं किया ये, हाँ 99 चला दिया। वो पावर तो मैंने कहा ही नहीं डालने के लिए, सारा ले लो। पेट्रोल के फ्रॉड से बचे, बॉन्ड पर राइट और जीरो से हुआ है। 665 कर दो, 25,000 ना उसके। आपने तो 100 का मीटर से चालू कर दिया, अब मैं ना देखता डल जाता फिर जीरो कर दिया। जीरो तो किया ही नहीं, तो किया ना अपने जीरो भाई। हमेशा सतर्क रहे, जब भी पेट्रोल डलाएं गाड़ी से उतर के डलवाएं और अपना जीरो चेक करवा के डलवाएं। आराम आराम से चले गए भाई, मजा आ रहा भाई। पहाड़ में ना अलग ही ठंडक हवा और एक मजा सा आ जाता है। बर्फ दिखे ना दिखे पर चलाने का मजा आ रहा है, फुल टू मजा आता भाई। अरे पीछे हूँ मैं, पीछे पीछे। अरे वापस आऊँ क्या? क्या कैसे गिर गई क्या वो लाइट मेरे पास है? आ जाओ पीछे आइयो, वो लगेगी नहीं टूट गई है वो। ओहो मेरी लाइट टूट गई, वो लग ही नहीं सकती किस हालत में। वो प्लग के अंदर से निकली है ये। चल कोई नहीं, हाँ कुछ नहीं होगा, वायरिंग में कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अंदर के अंदर प्लग के निकल गई है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लगवा लेंगे। नंबर प्लेट की लाइट है। ओहो अच्छा यहाँ से निकल गई। ओहो हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगवा लेंगे। पैसा बहुत है, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। मेरा साउंड कैसा आ रहा है एग्जॉस्ट का डीवी किलर के साथ? भाई बढ़िया आ रहा है, मतलब अच्छी आ रही है और लाउड भी नहीं है। तो हर्षित की बाइक में दूसरा इशू भाई, क्या हो गया? अब वायर कट गई पता नहीं, वो हटा दी तार। कौन सी थी वो? ये क्लैंप हटा दिया। तो ये वाली वायर कहाँ लग रही है? ये पीछे टेल लाइट और इंडिकेटर। अच्छा ये जो छिल रही है तो इससे शॉर्ट सर्किट हो रहा है बाइक में, तो बाइक बंद हो रही है। टेल लाइट का नहीं वायर जा रहा अंदर से जो कि नेकेड है पूरा। तो मेरे ख्याल ऐसे जब हो रही होगी सस्पेंशन तो टायर से लग रही होगी है ना? सस्पेंशन बहुत वो है, इसको थोड़ी की पोजीशन चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा, बहुत ज्यादा बंपी है। तो भाई अब नमन मेरी बाइक पे बैठ रहा है, बस आ रही है दम सही। बचपन में बहुत झूला हूँ यार मैं इसमें, मसूरी आके ऐसे मार्केट में ना अपना वो जाइंट व्हील भी है और वो एक बंजी रोप आती है नीचे ऐसे, और एक वो गन वाला पॉइंट भी आता है, गन गेम्स होती है वो मिलती है, लंबी गन छोटी गन बलून मारो। पुरानी आदत आज होगी, बहुत छोटा था मैं तब आया था यहाँ पे, मैं होऊंगा मैं 7-8 साल का मेरे खाली। अगर मेरे पास जो मेमोरीज है मेरे को याद है, हम एक फार्म में गए थे, वहाँ पे उन्होंने हमें बास्केट दी थी, तो हमने ताज़ा ताज़ा अमरूद, ताज़ा ताज़ा सेब, ताज़ा ताज़ा बगीचे में से ग्रेप्स तोड़ तोड़ के उस बास्केट में लेके आए थे। वो पता नहीं बहुत ऊपर है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा जगह का नाम। हर्षित ब्लैक आइस हो सकती है आराम से, ये देखिए ब्लैक आइस है सारी भाई। मैंने चलना पड़ेगा, पूरी ब्लैक आइस है, आई एम कमिंग, पूरी ब्लैक आइस है, आराम से ही हो ठीक है। बर्फ का इनकाउंटर हो चुका है, बर्फ दिखनी चालू हो चुकी है राइट और लेफ्ट पे। हम तो भाई अपना पूरी बाइक का फायदा उठाएंगे। वो नीचे पैर मत रखिए, हाँ नीचे पैर मत रखिए, नीचे पैर मत रखिए यार, पैंट वेंट सब गंदी हो जाएगी भैंस की। ओहो जाम ही जाम, जाम ही जाम भाई, इतना लंबा जाम। हर्षित तेरे को एक चीज दिखाऊं? दिखा। स्कूटी पे लोग गिन कितने हैं, सबसे पीछे एक, ओ भाई उसके आगे दूसरी, फिर तीसरी, चौथा बंदा चला रहा है। देख ये देख, 1 2 3 4 सामने, क्या बात है, क्या बात है, हेलो ये। ओ भाई इसको प्लास्टिक उठा के ना वापस ही गाड़ी में फेंका। सही किया भाई, बिल्कुल सही किया नमन, बताओ यार इतने सुंदर तो सारी पहाड़ की खत्म कर रहे हैं। नई सी साइकिल बन गई थी, चली आई वो ड्राइवर को देख के आया ना यार। यो हर से तो पहाड़ देख रहा है भाई, वहीं चलना है। वो बंदे देख कहाँ कहाँ चढ़े हुए, कुछ है वो चीजें तो, बिल्डिंग वगैरह
बिल्कुल पूरा व्हाइट आउट हो रहा है। ब्लैक आईज अलग से ध्यान से पैर रख के निकाल दे। बहुत बच गया। अरे वो देख सामने भाई साहब क्या बर्फ है उधर। पूरा व्हाइट आउट हो रहेगा। पूरा व्हाइट आउट वो देख सामने। वही चल रहे हैं आज तो कैंपिंग करेंगे वहाँ। कैंपिंग करेंगे ठीक है भाई। भाई ठंडी आ ठंडा होने शुरू हो गई मेरे यहाँ से। हाँ हाँ सिल्क है। बहुत टाइम बाद किसी और के पैसे ही खाई है मैंने। तेरे पैसे हैं? तेरा बैग रखा। मेरा कहने का कुछ और मतलब था तुम समझे नहीं। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं धनौल्टी और ये रास्ता आ गया था कनाताल। तो सोचा यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं कुछ खाते हैं पीते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट करे भी काफ़ी टाइम हो गया और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। धूप ले रहे हैं धनौल्टी की। पहाड़ पे बहुत सारी बर्फ़ है बट अभी तक हमें कोई ऐसा पहाड़ नहीं दिखा जहाँ पर जा सकें और ड्रोन शॉट ले सकें। अभी क्या हुआ हम जाम में खड़े हुए थे एक कार रुकी उसने ना पता नहीं क्या चिप्स का पैकेट भेजा पता नहीं क्या फेंका ऐसे गाड़ी से फेंक दिया। मैं तो साल घुमा के नहीं देखो कह रही आप क्या ले आई है। पर ये गलत किया है कि सही किया? भाई मैंने अपने साथ सही किया लेकिन उसने गलत किया था यार। पहाड़ों पे कौन जल्दी साफ करने आता है। इतनी मुश्किल लोग साफ करते हैं लोग ऐसे फेंक देते हैं। चाहे आपके पास जितनी मर्जी बैटरी एक्स्ट्रा हो बट पावर बैंक हमेशा अपने साथ कैरी कराते हैं। ओ भाई साहब क्या शॉट नहीं है ये तो ऐसा लग रहा 360 कैमरा पूरा। और ये मेरे पावर बैंक की हालत कुछ ऐसी हर्षित ने की है। मैंने कब करी भाई हल्का सा हुआ था। तुम्हारा प्राइवेट सर्वेंट ना रखा तुमने तो मेरे को। सब्जी डालने के लिए नमन सब्जी डाल दो क्या बैग उठाने के लिए नमन बैग उठाओ कैमरा ओए नमन वीडियो बना लियो मारे नमन हिसाब लिख लियो नमन इसको पैसे दे दियो नमन पेट्रोल के पैसे दे दिए नमन होटल के पैसे दे दियो नमन आईडी दी आई हो। अरे एक दिन नमन यहाँ बर्तन मांझ रहा हो तो कौन मचाने आएगा मुझे। चल रहे थोड़ा और आगे धनौल्टी की तरफ। बर्फ का असली एनकाउंटर आगे होगा। क्यों रुक जा ऑन तो मैं चेक 1-2-1-2 1-2-1-2-1-2 पूरी भीड़ लगी हुई है आराम से। गया